सो हेलो जी, हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने कथा का पूरा सेटअप आपको दिखा दिया था, कौन सा स्पीकर कितने वाट का है, सब कुछ चीज़ें डिटेल में मैंने सब कुछ बता दिया था आपको कि कौन से वाट का स्पीकर है, कौन से कंपनी का हम माइक यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी के माउसपैड एम्पलीफायर वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब कुछ चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दी थी। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि चलते प्रोग्राम में जो विसिल आती है उसको कैसे रोकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, पहले तो सेटअप लगाते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में बारिश आ गई थी तो सारा सेटअप हमने समेट दिया था। तो पहले सेटअप लगाते हैं, सभी स्पीकर उनकी सही जगह पे लगाते हैं और उसके बाद मैं सब कुछ चीज़ें आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। तो तिरपाल में ढका हुआ सारा सामान खोलने के बाद हम फटाफट से सेटअप रेडी करने लग जाते हैं और आज कथा का सेटअप हमने पूरा ही चेंज कर दिया क्योंकि कल बारिश के कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो अभी सभी स्पीकर वगैरह की सेटिंग हमने कर दी है, जो कल टॉप वहाँ पे और यहाँ पे लगाया था वो आज हमने यहाँ से दे दिया क्योंकि कल बारिश की वजह से सब कुछ भीग गया था थोड़ा थोड़ा। और बाकी एक चार का वहाँ से दे दिया, एक चार का बोला कोने में, और बाकी दो मॉनिटर स्टेज पे महाराज के लिए और दो मॉनिटर इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए। और भैया कर रहे हैं अभी सारी चीज़ों की कनेक्शन वगैरह मिक्सर वगैरह के और मॉसफेट के। और अगर आप लाइव डीजे मशीन से चलाते हो जैसे 250 वाट 500 वाट, उन मशीनों के पीछे अर्थिंग का ऑप्शन होता है, गोल गोल सी नोब होती है अर्थिंग की, तो उसमें से एक वायर डाल के और आपको किसी भी पाइप में या नल में, नल जो होता है लोहे का उसमें बांध देना है ताकि 10% जो विसिल का प्रॉब्लम होती है वो वहीं से कैंसिल हो जाएगी। और बाकी अभी मैं आपको मिक्सर वगैरह से भी समझाता हूँ कि कैसे विसिल कंट्रोल होती है। और लाइव डीजे सेटअप लगाते वक्त आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि पूरे ग्राउंड में जितने भी आप स्पीकर लगा रहे हो वो स्पीकर आपके माइक के रेंज में नहीं आने चाहिए। 10-20% चलता है क्योंकि 20% विसिल अपन मिक्सर से कंट्रोल कर सकते हैं और अगर ज्यादा रेंज में आते हैं तो विसिल कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि जो मेन सिंगर का माइक होता है और जो इंस्ट्रूमेंट के माइक होते हैं वो कभी कभी लाउड करने पड़ते हैं और लाउडनेस की वजह से स्पीकर और माइक के कॉन्टेक्ट में आते विसिल बनती है। और अभी इस जगह देखो चार माइक लगे हैं लेकिन एक भी सीटी नहीं पकड़ रहा और माइक भी अच्छे खासे लाउड है। और 70% काम आपको सेटअप लगाते वक्त ही दिखाना होता है क्योंकि आप सेटअप अच्छे से लगाओगे तो विसिल आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पूरे सेटअप का तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अब बात करते हैं मिक्सर की। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इस कथा में हम मिक्सर यूज कर रहे हैं स्टूडियो मास्टर का ORB 1222। और मिक्सर की ब्रांडिंग के जस्ट पास में आपको देखने को मिल जाते हैं दो मास्टर और मास्टर के जस्ट पास में दो ग्रुप और ग्रुप के पास में दो इफेक्ट और इस मिक्सर में आपको 12 चैनल माइक के लिए देखने को मिल जाते हैं और बाकी के 6 चैनल मास्टर और इफेक्ट के। तो मिक्सर की सेटिंग बताने से पहले मैं आपको दिखाता हूं महाराज का माइक की हमने कितना लाउड कर रखा है। स्लाइडर पूरा खोलने के बाद भी गेन 25% खोल रखी है फिर भी सीडी का नामो निशान नहीं है। अगर हमारे शरीर पे कोई विपत्ति आती है तो वो सर्वोपरि बोल जाए, सर्वोपरि बोल जाए। जबकि वास्तविकता में शरीर हमारा धन नहीं है, हमारा धन आत्मा है, हम आत्मा से संबंधित हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मिक्सर की सेटिंग्स के बारे में क्योंकि कई भाई लोग सारी प्रॉब्लम यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले विसिल का कारण बनता है इको, जो कि आपको बिल्कुल लेवल में रखना चाहिए सिंगर के हिसाब से। और अभी हमने मेन माइक का इको खोल रखा है 25%, जो कि ना ज्यादा कम होता है ना ज्यादा ओवर होता है। हाँ, सिंगर के हिसाब से आप थोड़ा सा और खोल सकते हो लेकिन ओवर नहीं कर सकते क्योंकि विसिल का कारण सबसे पहला इको बनता है। और बाकी इसके सिंगल चैनल की बात करें तो सबसे टॉप में मिल जाती है आपको गेन और इसके नीचे बटन देखने को मिल जाता है लो पास, जिससे आप 75 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को काट सकते हो। और इसके नीचे मिल जाता है कंप्रेसर का बटन, जिससे कोई भी चीज ओवर जा रही है तो इसको खोलने से सब कुछ चीज नॉर्मल हो जाएगी। और इसके नीचे देखने को मिल जाती है शार्प और उसके बाद हाई मिड और उसके जस्ट नीचे लो मिड और फिर बेस और बेस के जस्ट नीचे देखने को मिल जाती है 3 ऑक्स, जिसको आप सेपरेट मॉनिटर देने के लिए काम में ले सकते हो। और ये दोनों व्हाइट वॉल्यूम है इको के, जिसमें से फर्स्ट वाला मेन इको का और दूसरा वाला रिवर्ब का और उसके नीचे म्यूट का और बाकी नीचे नीचे मेन स्लाइडर देखने को मिल जाता है। और स्लाइडर के पास में जो 3 बटन दे रखे हैं वो पहला है सोलो का और दूसरा है ग्रुप का और तीसरा है लेफ्ट राइट का। तो ये थी पूरे चैनल की सेटिंग। अब वापस एक और बार विसिल रोकने का पूरा फंडा बताता हूं। सबसे पहले आपको इको लेवल में रखना है, मतलब इको बिल्कुल भी फैलना नहीं चाहिए और इको के साथ साथ आपको शार्प और हाई मिड का भी ध्यान रखना है क्योंकि वो अगर ओवर होगी तो आपके विसिल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे आप इसको सेंटर भी कर सकते हो अगर आपका माइक स्पीकर की रेंज में नहीं है तो। और बात करें बेस की तो बेस आप सिंगर के गले के हिसाब से कर सकते हो। हमारे को कई बार बेस 0% भी करना पड़ता है और कई बार ओवर भी करना पड़ता है जिससे हमिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाकी हमने सारे चैनल की सेटिंग सेम कर रखी है, सिर्फ ढोलक की चाटी और बेस को छोड़ के। बाकी फर्स्ट स्लाइडर में लगा हुआ पहला माइक, उसके पास में दूसरा माइक और 2 कॉर्डलेस और कॉर्डलेस के बीच में एक चैनल छोड़ के लगे हुए ढोलक के माइक और फिर 2 चैनल छोड़ के ऑर्गन और लास्ट में लगा हुआ है एम्पलीफायर का लेफ्ट राइट। और मास्टर मेन स्लाइडर के जस्ट ऊपर देखने के लिए मिल जाता है आपको एक छोटा सा इक्वलाइजर, जिससे आप सीटी और हमिंग की समस्या से बच सकते हो। तो इक्वलाइजर की शुरुआत में जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी दे रखी है वहाँ से शुरुआत होती है शार्प की, 2 स्लाइडर शार्प की और बीच में आ जाती है मिड जहाँ पे थोड़ी कम फ्रिक्वेंसी हो जाती है और लास्ट में जहाँ सबसे कम फ्रिक्वेंसी है वो है बेस का। तो बेस के स्लाइडर को थोड़ा सा नीचे करने से आप हमिंग से बच सकते हो और शार्प के स्लाइडर को नीचे करने से आप सीटी से बच सकते हो। लेकिन ये इक्वलाइजर आपको जब भी काम में लेना है जब आप मेन चैनल की सेटिंग करते करते थक गए हो। और इक्वलाइजर के जस्ट ऊपर में आपको देखने के लिए मिल जाता है रिकॉर्डिंग ऑक्स का ऑप्शन, जिससे आप यूट्यूब या
फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे लाइव जाने के लिए क्लियर वॉइस के लिए यूज कर सकते हो। तो ये थी कुछ चैनल की सेटिंग्स और विसिल और हमिंग कंट्रोल करने की सेटिंग्स। तो लाइव डीजे चलाने का जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और लगभग शाम के 7 बजे तक हम हो जाते हैं फ्री। तो जितना भी सामान पैक करने का था वो फटाफट से तिरपाल में पैक करते हैं। जैसा कि इधर के टॉप हमने तिरपाल में पैक कर दी और वहाँ पे जो ऑपरेटिंग लगी हुई है वो भी हमने तिरपाल में पैक कर दी और दो टॉप जो पीछे पीछे लगे हुए थे वो हमने दुकान में डाल दिए और बाकी छोटा मोटा सामान हमने इधर उधर रख दिया।